पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का पहला लेसन साइंस का केमिस्ट्री है, पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, मैं यूट्यूब पे मैं इसका साइंस का क्लास 10th का पूरे पूरे लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और इतना प्रॉमिस है आपसे कि हर एक लेसन का हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है या कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा, और वहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास 10th के साइंस का किसी भी क्वेश्चन में तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वहां से इन सब प्रश्नों को आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो हम लोग का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारे आसपास या पूरे यूनिवर्स में बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपने मौसम का बदलना देखा होगा, ऋतुओं परिवर्तन होती है, आम आपने मैंगो देखा होगा, आम जब आम वही छोटा होता है तो किस कैसे होता है, और जो जो आम बड़ा होता जाता है उसमें परिवर्तन होने लगता है, और लास्ट में वो पकता है और फिर पक्के पेड़ों से क्या होता है, गिर जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो राइपिंग ऑफ फूड होता है, मतलब जो फलों का पकना जो होता है वो हमारा किस में आता है, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि ब्रह्मांड में अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। वैसे तो परिवर्तन कई प्रकार के आपने पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, पीरियडिक चेंज एंड नॉन पीरियडिक चेंज। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर्टिकुलर टू टाइप्स के चेंज की बात करेंगे, दो ही प्रकार के चेंज की बात करेंगे, पहला फिजिकल चेंज और दूसरा हमारा क्या होगा, मतलब फिजिकल चेंज का मतलब होगा भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, देखिए किसी भी पदार्थ के, ठीक है ना, अगर उसकी किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं में अगर परिवर्तन होता हो, जैसे कि उसका आकार बदल जाना, उसका रंग बदल जाना, या उसके आयतन में चेंजिंग हो जाना, या फिर उसके घनत्व में परिवर्तन आना, ठीक है ना, यानी कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं जैसे कि आकार, रंग, या हम ये कह सकते हैं कि घनत्व या उसके आयतन में अगर कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और ना ही उस पदार्थ की रासायनिक संगठन व द्रव्यमान में किस तरह का कोई परिवर्तन होता है। जैसे कि देखिए यहां मैंने इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, लिखा गया है कि फिजिकल पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे कि आकार, ठीक है, रंग, आयतन, घनत्व तो परिवर्तन परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन व द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और न ही कोई नया पदार्थ बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप सपोज करिए कि हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर को मैंने क्या किया, इसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, बस इसका आकार चेंज हो गया, पहले बड़ा पेपर था, अभी क्या हो गया, छोटा पेपर हो गया, यानी ये भौतिक परिवर्तन है। इस पेपर को हम चाहें, इसकी देखिए इसकी प्रॉपर्टी में किसी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है, और ना ही इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन हुआ है। एक सिंपल सा एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा आपको, आपने देखा होगा कि अगर हम जल ले लें और इस जल में अगर हम चीनी का मिश्रण कर दें, ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, इससे शरबत बन जाता है, ठीक है ना, तो ये जो शरबत होता है कोई नया पदार्थ नहीं होता है, ठीक है ना, बस इसमें क्या होता है, देखिए चीनी यहाँ पे क्या होता है, ठोस होता है, अब इसमें क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, चीनी की जो प्रॉपर्टी होती है वह बदलती नहीं है, चीनी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका जो गुण होता है वह होता है मीठा लगना, क्या होता है, मीठा लगना। क्या अगर हम शरबत बनाएंगे तो मीठा नहीं लगेगा, बिल्कुल मीठा लगेगा। दूसरी बात देखिए, अगर हम इस शरबत से चाहेंगे तो पुनः हम चीनी को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अगर इस शरबत को हम लोग वाष्पीकृत कर दे, इसको गर्म करेंगे तो जो पानी होगा वेपर बन के उड़ जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, और फिर क्या होगा, ये जो चीनी होगा वो पाउडर के रूप में वहां पे आ जाएगा। दूसरा, आप नमक और क्या कर सकते हैं, नमक और पानी का सोल्यूशन ले सकते हैं, वहां पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, हम पानी को गर्म कर देंगे तो क्या होगा, जो नमक का बिलियन जो मिला होगा पानी के साथ, वहां पे हमारा नमक उसकी पेंदी पे क्या होगा, मिल जाएगा। ऐसे लाखों की संख्या में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उदाहरण है, जो किसको शो करते हैं, भौतिक परिवर्तन को शो करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भी आपने बहुत सारे और एग्जांपल्स देखे होंगे अपने आसपास, जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं सीधा सीधा जल का, ठीक है ना, तो देखिए जल, अगर हम जल को
हीट कर दें, क्या कर दें, हीट करें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जल को अगर हम गर्म करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारा वाष्प में, ठीक है ना। वाष्प मतलब ये हो गया गैसेस में, यानी जल तो वही रहा, यहाँ पे जब वाष्प बना है तो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, जल किस में था, लिक्विड में, और ये वाष्प में आ गया, तो किस में हो गया, ये हमारा गैस में, यानी सिर्फ इसकी अवस्था बदल गई है। और अगर हम पुनः इसको क्या कर दे, अगर हम कूल कर दे तो ये पुनः आ जाएगा किस में, जल में, ठीक है। अब देखिए अगर इस जल को हम पुनः और कूल कर दे, अगर हम इसे क्या कर दे, कूल कर दे, मतलब कूल करना मतलब हो गया ठंडा करना, अगर इसे ठंडा कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या लिया, जल, जल को हमने गर्म किया तो वाष्प बन गया, यानी कि ये लिक्विड में था, मतलब द्रव अवस्था में था, और ये किस में आ गया, गैसियस अवस्था में, मतलब इसका क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हुआ है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। दूसरा आप देख सकते हैं कि इसी जल को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर ठंडा कर दे तो ये बर्फ में बदल जाएगा, यानी ये किसमें था, ये था द्रव में, और द्रव से भी किसमें आ गया, ठोस में आ गया। यानी देखिए सीधा सीधा कहने का मतलब है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थों की सिर्फ उसकी भौतिक अवस्थाओं में चेंज होता है, जैसे उसका आकार बड़ा या छोटा हो सकता है, उसका रंग बदल सकता है, उसका घनत्व बदल सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, इसके सिवा इसमें कुछ नहीं होता, इसमें किसी तरह का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे क्या हम लोग का, या तो उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, या रंग में, या उसके आयतन में, या फिर उसके घनत्व में, ठीक है ना। तो अब घनत्व का मतलब देख ही सकते हैं कि जल का जो घनत्व होगा या वाष्प का घनत्व बिल्कुल इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ अगर हम बर्फ के घनत्व की बात करें तो इसके जल के घनत्व से बिल्कुल ही क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था भौतिक परिवर्तन, अब देखते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। चलिए अब देखते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब तक हम बात कर रहे थे भौतिक परिवर्तन की, देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिससे कोई नया पदार्थ बनता है, फिर सुनिएगा, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिससे कोई नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो हम पदार्थ लेते हैं, ठीक है ना, उससे जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और साथ ही साथ इनका संगठन और द्रव्यमान भी क्या होता है, द्रव्यमान तो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, क्योंकि अब भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जब पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को देखेंगे फिर हम लोग। लेकिन ध्यान से देखिए फिर से क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो हम पदार्थ लेते हैं जिससे नया पदार्थ बनता है उसके गुण बने हुए नए पदार्थों के गुण से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यह परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जब नया पदार्थ बन जाता है तो उस नए पदार्थ से हम पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिससे वो बना होगा। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, चीनी और शरबत को, चीनी और पानी को मिलाकर हमने शरबत बना लिया, पुनः हम चाहेंगे तो शरबत से पानी और चीनी को दोनों को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिए अगर आपने ले लिया दूध, ठीक है, अगर दूध को अगर हमने परिवर्तित कर दिया दही में, ठीक है, तो जो गुण दूध का है वह गुण बिल्कुल दही का नहीं हो सकता है, यानी दूध का गुण दही के गुण से बिल्कुल अलग है, यानी दूध जो हम पदार्थ लिए थे इससे एक नया पदार्थ क्या बन गया, दही, तो बने हुए नए पदार्थ का गुण इस मूल गुण, मतलब जो दूध का मूल गुण होगा उससे बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा दही का गुण। दूसरा यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि हम दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में। देखिए यही नहीं, आप देखे होंगे फलों का पकना, अगर कोई फल पूरी तरह से पक जाता हो तो हम पुनः उस पके हुए फल को कच्चे फलों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा किसका एग्जांपल है, यह हमारा एग्जांपल है रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन में देखिए अभी बहुत सारे हम देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, पुनः एक बार इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। यह परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, यानी दूध से दही का बनना, फलों का पकना
उसके बाद से आपने देखा होगा हमारे पेटों में जो भोजन जो पचता है, जो हम खाते हैं और जो पचता है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जो हम सांस लेते हैं ये भी हमारा क्या एक रासायनिक परिवर्तन होता है। उसके बाद से अगर हम कोयले को जलाते हैं आग की उपस्थिति में तो वहां पे भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बनता है, वो भी हमारा क्या होता है। जैसे देखिए अगर हम कार्बन रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए रासायनिक समीकरण और इसका डिफिनेशन कभी कभी पूछ दिया जाता है, और रासायनिक समीकरणों को बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो हमारे अभिकारक पक्ष के जो पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, और उसे जो नया उत्पाद बनता है, तो इन्हीं पदार्थों को हम क्या करते हैं अभिकारक और उत्पाद पद के उत्पाद जो उत्पाद बनते हैं उन्हीं को अगर हम उसके संकेतों और उसके अगर सूत्रों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पक्ष और उससे बनने वाले नए पदार्थ के जो उत्पाद होते हैं इन्हीं को अगर अभिकारक पक्ष में भाग लेने वाले जो भी हमारे पदार्थ हैं और जो नया प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद जो बन रहा है उस पदार्थ को अगर हम उसके संकेत या सूत्र के द्वारा यदि हम प्रदर्शित करते हैं इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम समझाते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम, ठीक है, अगर हमने मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन कर रहा है किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये हमारा आपको पता होगा कि ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मोगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, अब मैग्नीशियम का और यहाँ पे ऑक्सीजन का और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, अब देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है अभिकारक, ठीक है, ये हो गया हमारा अभिकारक और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा अभिकारक, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, ठीक है, उत्पाद हो गया। अब हमने क्या कहा कि इसी रासायनिक जो हम लोगों का अभिक्रिया है इसमें भाग लेने वाले जो हमारे अभिकारक हैं, ठीक है, और इनसे बनने वाले जो उत्पाद है यदि इन्हीं को हम लोग सूत्रों या संकेतों के द्वारा अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है रासायनिक समीकरण होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हम लोग का Mg। जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है, सूत्र इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये O2 के रूप में होगा, ठीक है, और दूसरा अगर हम यहाँ से ले लें कि जो मैग्नीशियम हम लोग का ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका जो फार्मूला होता है ये हो जाता है हम लोग का MgO, ठीक है। अब इसी को आप देखिए जो इसका फार्मूला है अगर इसको हम पुट कर लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Mg+O2 इक्वल टू हम लोग आ जाएगा MgO और यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यही हमारा क्या होता है, यही हमारा रासायनिक समीकरण हो जाता है, ठीक है ना। अब हम जहां तक हमको लग रहा है कि आपको ये बिल्कुल ही इसमें किसी तरह का आपको डाउट नहीं होगा कि अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है ना। यानी देखिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को जो शॉर्ट हैंड है मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का वो हमारा क्या होता है रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे जो इतना बड़ा समीकरण था इसको हमने क्या किया बिल्कुल छोटे से समीकरणों में लिख दिया, यानी कि लिखने की सुविधा के दृष्टि से बहुत आसान होता है, और दूसरी बात इससे हम क्या करते हैं आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और मास ऑफ प्रोडक्ट ये इक्वल है कि नहीं है। अगर ये वर्ड इक्वेशन दिया गया और शब्द समीकरण अगर हो तो हम यहाँ से बता नहीं सकते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, लेकिन हम यहाँ से बिल्कुल भी बता सकते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। और आप जानते ही हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरणों में आप पढ़े होंगे कि रासायनिक समीकरण के दौरान न तो हम क्या कर सकते हैं किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही किसी पदार्थ को हम समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि रासायनिक समीकरण के दौरान और रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया के बाद, यानी देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान और रासायनिक अभिक्रिया के बाद
जो हमारा रिएक्टेंट होता है, मतलब जो अभिकारक पक्ष होता है, उत्पाद पक्ष होता है, इन दोनों का मास हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरणों को लिखने की कुछ विधियां होती हैं, ठीक है ना। और इसमें हमको सबसे जो जरूरी बातें होती है कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर शब्द समीकरण दे दिया गया हो, तो उसमें हमें किस बात का याद रखना होता है, ध्यान देना होता है कि हमें सबसे पहले जो भी उसमें पदार्थ दिए गए हों अभिकारक पक्ष में और जो उसका उत्पाद बन रहा हो, उसका हमें सूत्र याद होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद से हम इनको हमेशा अड़वों के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए दूसरी बात, पहली बात तो एक है, दूसरी बात जब भी हम दो अभिकारक पक्षों में, अभिकारक पक्ष में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, आप जब भी हम किसी भी दो पदार्थों को एक साथ लिखते हैं, तो उसमें हमेशा बीच में प्लस साइन का यूज किया जाता है। और जो उत्पाद बनता है, तो अभिकारक और उत्पाद पक्ष के बीच में हमेशा हम किसका सिंबल लगाते हैं, तीर लगाते हैं। ठीक है ना, तीसरी बात, हमेशा हम उत्पाद को राइट हैंड साइड में और अभिकारक पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तीसरी बात, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें इनकी फिजिकल अवस्था को भी शो करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे कि फिजिकल अवस्था मतलब कि भौतिक अवस्था है, जैसे मान लीजिए हमने कोई पदार्थ लिया है, तो अगर वह सॉलिड है, मतलब अगर वो ठोस में है, तो ठोस के लिए हम लोग यस लगाएंगे, अगर वह द्रव में है तो द्रव के लिए ब्रैकेट में यल लगाएंगे, अगर गैस है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, जी लगाएंगे, और अगर हम लोग का एक्वा सोल्यूशन है तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, ए क्यू लगाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद से देखिए जो हम लोग का सबसे बड़ी बात है, एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको हम क्या करते हो, जल में घोलते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई बिलियन हमने एसिड या बेस लिया है, तो अगर डायलूट है तो उसके आगे हम लोग डी आई एल लगा देते हैं, और अगर कंसंट्रेटेड है तो सी ओ एन सी लगा देते हैं। ठीक है ना, कंसंट्रेटेड के लिए ये हो जाता है। उसके बाद से देखिए एरो जो होता है, इधर हमेशा ये हमारा उत्पाद को बताता है और ये हमारा हमेशा अभिकारक पक्ष को। अगर कहीं तीर का सिंबल ऐसे दिया है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसा अभिक्रिया जो कभी पूर्ण ही नहीं होता, यानी इसका मतलब है कि जो हमने अभिकारक लिया इसको उत्पाद बना सकते हैं, और जो उत्पाद है उसको पुनः क्या बना सकते हैं, अभिकारक बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया भी होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं उत्पाद को अभिकारक में और अभिकारक को उत्पाद में। ठीक है ना, उसके बाद से देखिए अगर कहीं एरो ऐसे लगा है, इसका मतलब शो करता है गैस को, और अगर एरो ऐसा लगा है तो ये किसको शो करता है, ठोस को। ठीक है ना, तो और अगर कहीं एरो ऐसे है और इसके ऊपर अगर डेल्टा का निशान बना है, तो ये शो करता है हीट को, किसको, हीट को। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, और फिर हम देखिए अब इस पे एक एग्जांपल बताएंगे, और ये सारी चीजें हम अभी एक उस पे लागू करेंगे, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो अब हम संतुलित कर रहे हैं और इस चीज को ध्यान में भी रखेंगे। चलिए आप देखते हैं रासायनिक समीकरणों को लिखने की विधियों में हम जो अभी आपको बातें बताएं उसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाता है मौका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया ये सॉलिड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, यस लिख दिया, इसका मतलब सॉलिड है। जब हमने यहाँ पे जल लिया तो ये क्या हम लोग का, ये लिक्विड हो गया। ठीक है ना, और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बनता है ये डिपेंड करता है वाटर की मात्रा पे, ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। देखिए ये चूना होता है, चूना आपने देखा होगा कि घरों में लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं चूने में, तो वो क्या होता है, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है ज्यादा अगर हम पानी डाल देते हैं। तो दूसरी चीज देखे होंगे कि कई बार जब घरों का व्हाइट वॉशिंग किया जाता है, जो आजकल आते हैं सब, और एक बड़ा सा प्लेट होता है उसको लगा के और घरों पे लगाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सानना, आटा जैसे साना जाता है, आटा गूथा बिल्कुल वैसे बनाते हैं, तो क्या होता है, एज ए सॉलिड का बिहेव करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये डिपेंड करता है कि वाटर के अमाउंट पे, पानी पे की क्या हो सकता है। आप देखिए हमने बताया ये भी हमारा क्या है, ये हमारा अभिकारक है, और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा अभिकारक है। ठीक है, तो हमने बताया था कि दो अभिकारक को यदि लिखते हैं तो उसको हमेशा हम प्लस साइन के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, और अगर उत्पाद एक से ज्यादा बने तो इसको भी हम प्लस साइन के साथ जोड़ेंगे। इसको ये हमारा होता है राइट हैंड साइड, और ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमेशा हम अभिकारक लिखते हैं, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम अभिकारक को लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में हमेशा हम किसको लिखते हैं, उत्पाद को। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप ले लीजिए आयरन को। ठीक है ना,
और आयरन का आप रिएक्शन करा दिए किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है ना, वाटर के साथ। तो आप देखेंगे यहां से आपका बन जाता है Fe3O4। Fe3O4 का यानी कि आयरन ऑक्साइड, और साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, मुक्त होती है। तो अब देखिए ये सिंबल किसका हो गया, गैस का। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो आपको 4 से यहां मल्टीप्लाई और 3 से यहां मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वही पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अभिकारक, और ये भी हो गया आपका अभिकारक, ठीक है। ये आपका हो गया उत्पाद, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका उत्पाद। अब देखिए तो हमने क्या बताया कि दो अभिकारक जब भी हम लेते हैं तो इसको प्लस साइन के साथ, ये फिर हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। इधर हम लोग उत्पाद लिखे, इसको हमने किसके साथ जोड़ा, प्लस साइन। अब देखिए ये लोहा है, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा सॉलिड, ये हमारा हो जाएगा लिक्विड, और आयरन ऑक्साइड जो होता है ये हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा गैस। तो देखिए इसको लिखने से ये फायदा होता है कि हमें इसका फिजिकल स्टेट पता चल जाता है कि मतलब इसका स्टेट कैसा है। तो जब हम लैब में जाके इस रासायनिक समीकरणों को करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो हमें वहां ये नहीं पूछना होता है कि हम इसका सॉलिड फॉर्मेशन लें, लिक्विड फॉर्मेशन लें, या फिर गैसियस फॉर्मेशन लें, ठीक है ना। तो इससे ये फायदा होता है। अब चलिए हम लोग करते हैं रासायनिक समीकरणों को बैलेंस कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो अब इस टॉपिक में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इस चीज को देखना है। तो देखिए सबसे तो पहले क्वेश्चन से ये राइज होता है कि हमें किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित ही क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब चूंकि हमने देखा था वर्ड इक्वेशन, मतलब जब हम शब्दों में उस समीकरण को लिख रहे थे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि उत्पाद और जो हमारा अभिकारक पक्ष है वो बराबर है कि नहीं है। मतलब जो हम तत्व के अणु लिए हैं वह तत्व के अणु बराबर संख्या में है कि नहीं है। तो देखिए होता क्या है, हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उस पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो जब हम किसी पदार्थ को रासायनिक समीकरण के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब हम किसी पदार्थ को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो द्रव्यमान अभिकारक पक्ष का होगा वही द्रव्यमान किसका हो जाएगा, उत्पाद पक्ष का। तो ये नियम फेल, द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल न कर जाए इसी के लिए हम लोग रासायनिक समीकरणों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। कई बार ऐसा पूछा गया कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की क्यों जरूरत पड़ती है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो हम पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, हमेशा ही जो अभिकारक पक्ष होता है और जो हमारा उत्पाद पक्ष होता है, इन दोनों पक्षों का मास हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसे हम बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो रासायनिक समीकरण दिए गए होंगे, ठीक है, अगर वो शब्द में दिया गया होगा, शब्द समीकरण दिया गया होगा, तो उसके हम सूत्र और उसके सिंबलों से, मतलब संकेतों से पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद से उसको एक समीकरण मानेंगे, और सबको जो भी उसमें तत्व दिए गए होंगे या यौगिक जो दिए गए होंगे उनको हम बॉक्स बनाते जाएंगे और उस बॉक्स में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम एक तरफ तीन बॉक्स बनाएंगे, एक तरफ तत्व लिखेंगे, एक तरफ अभिकारक पक्ष में तत्वों में उत्पन्न परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे या अणुओं की संख्या को, और इसी तरह से उत्पाद पक्ष में भी। फिर देखिए इसको बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा अंतर होता है जिस भी किसी पदार्थ के अणु में या किसी तत्व के अणु में, तो जिस किसी तत्व के अणु में जो सबसे ज्यादा अंतर होता है हम सबसे पहले उसी को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो आप जिसमें सबसे कम हो अंतर उसको ले सकते हैं, और उसके बाद से प्रक्रिया तीन चार स्टेप में जाके कंप्लीट होती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पद वन, चरण वन, चरण टू, चरण थ्री, चरण फोर, ऐसे करके करते हैं। और देखिए जब आप दो तीन एग्जाम्पल जब कर लेंगे उसके बाद से आप किसी भी समीकरण को देखते ही बता सकते हैं कि वो संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। तो इस कड़ी में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, और इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये पहले सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कह दिया Mg+O2 और इसके बाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा हम लोग का MgO, ठीक है। तो देखिए इसको
अभी तो ये ठीक है, हम लोगों का क्या दिया है, ये हम लोगों का रासायनिक समीकरण ही दे दिया। अगर यही ऊपर दे दिया होता है यहाँ से मैग्नीशियम जो अभी हमने लिखा था उस तरह से, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या करते हैं? तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बॉक्स में कर देंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो बॉक्स नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम समीकरण एक मान लेंगे सबसे पहले, देखिए। उसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ तत्व एक हमारा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अभिकारक पक्ष में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या, ठीक है। और वही बात यहां लिखेंगे उत्पाद पक्ष में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा तत्व है, यहां है मैग्नीशियम और यहां है ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पे अभिकारक पक्ष में क्या है, मैग्नीशियम की संख्या एक है और ऑक्सीजन की संख्या दो है। अब आ जाइए आप उत्पाद पक्ष में, मैग्नीशियम की संख्या एक और ऑक्सीजन की संख्या भी क्या है, एक ही है। यानी दोनों में मैग्नीशियम तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उत्पाद पक्ष में दो से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, समीकरण एक के उत्पाद पक्ष में ऑक्सीजन असंतुलित है, अतः इसे संतुलित करने के लिए, अतः चाहे हम लिख सकते हैं अतः MgO में, ठीक है, दो से गुणा करने पर। तो जब MgO में हम दो से गुणा कर देंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हम लोगों का Mg प्लस O2 और फिर तीर का निशान हो जाएगा हम लोगों का 2MgO। अब पुनः वही काम करेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पुनः तत्व लिखेंगे, उसके बाद से देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, अब पुनः वही लिखेंगे अभिकारक पक्ष में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या और यहाँ उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब देखिए यहाँ हमारा क्या मैग्नीशियम और फिर यहाँ क्या हम लोग ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1, लेकिन इधर मैग्नीशियम की संख्या क्या है, 2, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 और इधर 2। अब देखिए दोनों साइड में, ठीक है, हमारा क्या है मैग्नीशियम अनबैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस है। तो अब पुनः हम लिखेंगे इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 में अभिकारक पक्ष क्या है असंतुलित है, अतः मैग्नीशियम में 2 से गुणा करने पर। तो मैग्नीशियम में जब 2 से गुणा कर देंगे तो पुनः इसको लिखेंगे तो अभी हमारा क्या जाएगा 2Mg+O2 और इसके बाद से जाएगा ये 2MgO। अब आप देखेंगे कि यहां भी Mg2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और यहाँ भी Mg2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, यानी कि यह जो हमारा रासायनिक समीकरण ये पूरी तरह से क्या है संतुलित है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं जो काफी अच्छा एग्जांपल है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, उसको देखते हैं और थोड़ा ध्यान से उस एग्जांपल को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझना है इसको। देखिए तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, बॉक्स बनाने के लिए, तो ये हम यहाँ से एक बॉक्स बना लिए, फिर यहाँ से एक बॉक्स बना लिया और यहाँ से एक हमने बॉक्स बना लिया और एक यहाँ। देखिए जब आयरन जो है रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो ये आयरन ऑक्साइड बना दे रहा है और मतलब फेरस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और फिर हमारा क्या जाएगा ये हम लोग का हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो रहा है। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या बोला था, इसको हम समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पुनः वही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग तत्व, यहाँ लिखेंगे अभिकारक पक्ष में उपस्थित, अभिकारक पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या,
देखिए मैं एक बार लिख दे रहा हूं, बार बार इस चीज को लिखा नहीं जाएगा। और यहां लिखेंगे अब उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे तत्व कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा एक आयरन है, दूसरा हमारा हाइड्रोजन है, और तीसरा हमारा क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। आप देखिए तो अब यहां से देखिए आयरन अभिकारक पक्ष में कितना है एक, हाइड्रोजन कितना है दो, और ऑक्सीजन कितना है एक, ठीक है। अब आप आ जाइए उत्पाद पक्ष में, तो इधर कितना है आयरन है तीन, ऑक्सीजन कितना है चार, और हाइड्रोजन कितना है दो। अब देखिए तो समीकरण एक में आयरन और ऑक्सीजन क्या है बैलेंस नहीं है, और हाइड्रोजन दोनों में बैलेंस है। तो हम देखिए अब दोनों में अंतर कितने का है, एक और तीन में डिफरेंस कितने का है दो का, और एक और चार में डिफरेंस कितने का है तीन का। तो हमने बताया था कि जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हो सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण एक क्या है असंतुलित है। अब तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ चार से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में H2O में चार से गुणा करने पर, ठीक है। तो अब चार से हम जब यहां गुणा कर देंगे तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe प्लस, यहां से जाएगा हम लोग का 4H2O, और ये अब हो जाएगा हम लोग का Fe3O4, और ये हो जाएगा हम लोग का H2, ठीक है। अब इसको हम क्या मान लेंगे 2। अब पुनः वही काम, ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी जब तक बराबर ना जाए। अब फिर यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे तत्व, यहां वही लिखेंगे अभिकारक पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, और यहां लिखेंगे उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा तत्व क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन है, और क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोग आयरन एक है, और इधर आयरन कितना है तीन। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है एट, और इधर कितना हम लोग का टू, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर फोर, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है फोर, यानी अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन और हमारा आयरन क्या हो गया अनबैलेंस हो गया। तो अब देखिए पुनः अगर हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड में Fe में तीन से गुणा करने पर, अगर तीन से गुणा कर दे तो अब यहां देखिए कितना जाएगा 3Fe+4H2O, और इसके बाद से जाएगा हम लोग का Fe3O4+H2, इसको समीकरण क्या मान लेंगे तीन। आप पुनः देखिए यहां से हम पुनः वही काम करेंगे, यहां से तत्व, यहां से अभिकारक पक्ष में उपस्थित उत्पादों परमाणुओं की संख्या, और यहां से हो जाएगा हम लोग का उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तत्व हमारा हो गया आयरन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन। अब आयरन इधर भी तीन, और इधर भी कितना है तीन। अब देखिए तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया हम लोग का आठ, और इधर है दो, और इधर ऑक्सीजन भी चार, और इधर भी ऑक्सीजन चार। यानी अब देखिए हमारा सिर्फ क्या हो गया हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण तीन के उत्पाद पक्ष में उत्पाद पक्ष के H2 चार से गुणा करने पर, ठीक है। तो अब इसमें जब हम चार से गुणा करेंगे तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Fe+, यहां से 4H2O, दिस इंप्लाइज Fe3O4 और प्लस 4H2, और ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, ठीक है। और पुनः आप देखिए क्या करेंगे, समीकरण चार में यहां से क्या करेंगे, यहां लिखेंगे तत्व, यहां लिखेंगे अभिकारक पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, और यहां लिखेंगे उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणु संख्या। यहाँ तत्व आपका आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और फिर क्या हो गया ऑक्सीजन। अब देखिए तो आयरन यहाँ भी तीन, और यहाँ भी कितना है थ्री, तो ये भी तीन तीन हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए हाइड्रोजन कितना है चार दुना आठ, तो ये भी आठ, और ये भी देखिए कितना जाएगा चार दुना आठ, ये भी आठ हो गया। अब देखिए यहां से ऑक्सीजन आपका कितना है चार, और इधर भी कितना है चार, यानी कि जो ए इक्वेशन है 3Fe+4H2O, और यहां से Fe3O4+4H2, यही हमारा क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण है। Q
क्योंकि यहाँ पे अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष के में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं, इस विधि को देखिए क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हीट, इसको बोला जाता है हीट एंड ट्रायल, इसको ट्रायल मेथड कहा जाता है, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है ना। इस विधि को याद रखिएगा, इस एग्जांपल को एक आध बार और कीजिएगा। अगर आपको किसी भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वहां से आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसका एक शॉर्टकट भी आता है जहां से हम इसे एक मिनट में देख के हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आप जब दो चार बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देख के किसी भी रासायनिक समीकरणों को बैलेंस कर सकते हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर एक क्वेश्चन 2 या 4 नंबर्स में पूछे जाते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए, तो आप कभी भी शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे, हमेशा हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। देखिए एक बात और आप हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा, किसी भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम कभी भी उसके सिंबल या उसके रासायनिक सूत्रों में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसे ऐसा नहीं था कि अब देखिए हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा था Mg+O2 और इक्वल टू हमने यहाँ MgO लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे Mg+O और यहां से हम क्या लिख दिया MgO, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ये अणु मॉलिक्यूलर रूप में होता है, इसलिए देखिए जो उसका सूत्र होता है या जो उसका सिंबल होता है हम इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं करते हैं, इसके आगे ही हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं इसको बराबर करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं और ये रासायनिक समीकरण क्या जाए बराबर हो जाए और यहाँ 3 लिखते हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। कभी भी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम उसके जो सिंबल है या जो उसका सूत्र होता है उसमें हम किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते, हम इसके आगे ही किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसको हम बैलेंस करते हैं, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा।